पे जो शिवजी जी की पूजा की जाती है भगवान विष्णु के रूप में की जाती है। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। अबे गुड मॉर्निंग अल्मोड़ा। गुड मॉर्निंग अल्मोड़ा। भाई कल रात ना बड़ी खतरनाक रही है हमारे लिए, क्योंकि हमने ऐसे ऐसी चीजें देखी है भाई यहाँ पे कि भाई आप पूरा का पूरा, एक तो सन्नाटा है यहाँ पे, सब कुछ बंद पड़ा है, ठीक है। एंड साथ ही साथ भाई यहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिला ढंग सा, क्योंकि हम 9 बजे यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है। आई मीन काफी ज्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मतलब मैं आपको बताऊँ तो अगर आप देखो तो अभी भी स्ट्रीट पे सारी चीजें बंद है, ठीक है, और लोग भी बहुत लिमिटेड बाहर निकले हुए हैं जिन्हें बस धूप लेनी आई गेस, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड वन मोर थिंग, पता है जो सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रेंज लगी वो ये कि यहाँ पर लोग 7 बजे के बाद नहीं निकलते हैं। दुकानें शायद ना 80% ऑफ द दुकानें 8 बजे बंद हो चुकी थी, बंद थी। एंड मॉल में भी कोई नहीं था। मॉल में पता है हम अकेले दौड़ रहे थे, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाई होगा। सो ऐसा कुछ हमारा एक्सपीरियंस था। और हिमालय दिख रहा है यहाँ से, राइट, वो क्या खूबसूरत है ना भाई। बिल्कुल, काश मैं अपने व्यूअर्स को दिखा पाता, मतलब हमारे व्यूअर्स को दिखा पाता। आपने तो देख ही लिया होगा, राइट। सो तो आज का भाई क्या प्लान है, फिर क्या करना है आज? सो आज अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं, चलते हैं 20, हाँ वहीं चलते हैं, है ना, वहीं वहीं। बता दे इनको, बता दे, बता दे, बता दे, बता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, सबसे पहले तो नाश्ता करेंगे। मैं आपको बताऊँ हमारा फूड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही गंदा रहा है। मतलब हम कल नाश्ता नहीं किया, हम डायरेक्ट 4 बजे हमने ब्रंच कह लो आप उसे या फिर हैवी लंच कह लो, हमने वो किया। और रात में भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था डिनर के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बंद हो गई थी। एंड ऑल वी हैड वॉज यू नो जस्ट चिकन चिकन चिकन, तो हमें भी मन नहीं था खाने का। मोहित मना कर रहा था बट चलो कुछ नहीं था तो वही खा लिया। तो अब भाई चलना कहाँ ये बताओ। यस, सो अभी हम जा रहे हैं बिनसर। बिनसर एक यहाँ से 45 किलोमीटर्स के रेंज में है और वो बहुत ही सुंदर वहाँ पे व्यू पॉइंट्स है। और पता चला है कि और भी चीज़ें हैं घूमने की जो हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। हमने 2-4 चीज़ें देख रखी हैं, अगर हो सकेगा तो हम सारी कवर करेंगे। और उसके बाद आज का हमारा प्लान है कि हम दोबारा नैनीताल जाके स्टे करेंगे, क्योंकि हम कल नैनीताल को कवर करेंगे एंड देन बैक टू दिल्ली। सो Stay tuned guys, आगे मिलते हैं। तो भाई ये हमारा रूम था, इसको कर दिया चेकआउट, सामान वामान सब ले लिया है और चले फिर अब आगे। रील बना रहा भाई, अभी भाई कतई रीलर है, इमिडिएटली वीडियो कॉल करके सबको दिखा देता है व्यू वगैरह। नहीं, मैं बस दिखाता हूँ अपने घर वालों को। और किसको, और बता दो, और बता दो भाई, कुछ भी कहो, रूम के आगे से नज़ारा बढ़िया था। अब पता नहीं आगे ये मिलेगा नहीं मिलेगा कहाँ। बाकी रूम भाई 500 रुपये में बहुत ही सही है और इस नज़ारे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा सही है। तो भाई चलते हैं आगे और दिखाते हैं। शादी ख़त्म हो गई लग रहा है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं जागेश्वर अल्मोड़ा से, और अभी जस्ट थोड़ा सा आगे ही आए हैं, ब्रेकफास्ट करके निकले ही हैं। अरे ये क्या, और गाड़ी चलाना नहीं आता मुझे। और भाई जागेश्वर इसलिए जा रहे हैं पहले क्योंकि भिंसर का रास्ता काफ़ी ज़्यादा अपोजिट था, तो हमने सोचा पहले जागेश्वर कवर करते हैं देन हम भिंसर का देखेंगे अगर टाइम बचा तो। पेड़ होते हैं ना बहुत डरावने हो जाएंगे रात में, कितना डर लगता है भाई रात को। हमने कल रात को राइड किया, हम आए नैनीताल से अल्मोड़ा के लिए आए ना, तो इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था ना, एक काला कपड़ा भी हमें दिखा ना तो ऐसा लग रहा कुछ पड़ा हुआ है नीचे, डर गया भाई। लेकिन अल्मोड़ा सही में सुंदर है, बाकी लोग नहीं है यहाँ पे ऐसा लगता है। जागेश्वर 29 किलोमीटर, मनहार तो जो पेड़ है ना, मतलब खूबसूरती बढ़ा दे रहे हैं बिल्कुल। हाँ नेचर ने भाई कुछ सोच के बनाया ऐसा लग रहा है। अब भाई बाइक भी बंद कर दिया, देखो खुद से चल रही है, न्यूट्रल कर दिया है और देखो 32 की स्पीड में 33 ऐसा चल रहा है अभी भी, क्या मस्त नेचर लवर हो गए हैं भैया। देखो 36 पहुंच गई थी भाई, अभी भी बाइक बंद है और अभी भी देखो कम से कम भी अच्छा खासा किलोमीटर कवर कर लिया। एक और व्लॉगर मिल गए थे भाई अभी अभी मर जाते भाई, अभी वो उठा देता ऐसे करके हमें।
बाइक पूरी बंद है, चाबी भी निकाल लूँ क्या? लॉक कर दूँ, लॉक कर दूँ क्या? रोके रोके ऊपर चढ़ाए तो मस्त फोटो आएगा उधर। अरे बेटी चो चढ़ गई, रोक दिया, पहले ही रोक दी थी। ओ खतरनाक सीन है यहाँ पे, बाइक के साथ अच्छी फोटो आनी है। ओ भाई देखो बाइक पूरी बंद है और ऐसे ही लेके आ गए हम उसको। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम जागेश्वर और ये उसकी पार्किंग है कुछ इस तरीके की, और बाहर से ना एक खूबसूरत नदी भी बहती है और तो बहुत अच्छी लगती है वो। एंड ये उसका एंट्री गेट है कुछ इस तरीके से। अब हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से अंदर होता है। तो भाई आप अंदर घुसेंगे तो अंदर घुसते ही आपको काफ़ी सारे छोटे और बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे। भाई इन मंदिरों की संख्या है 125 और ये 125 में करीबन 108 शिवलिंग हैं जो शिव भगवान के हैं। और भाई माना जाता है कि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी पाया जाता है। एंड और ये जो ज्योतिर्लिंग है वो 8वां ज्योतिर्लिंग है। भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से 8वां जो ज्योतिर्लिंग है वो जागेश्वर में पाया जाता है। तो भाई अब बढ़ते हैं मंदिर की ओर। तो ये जो मंदिर है मेन टेंपल है यहाँ का जागेश्वर का, और अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ये देख सकते हो आप मेन टेंपल है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और ये यहाँ पे है प्राचीन का महामृत्युंजय मंदिर जहाँ पे शिवलिंग की लिंग के रूप में पहली बार पूजा की गई थी। और भाई ये इन छोटे छोटे मंदिरों में से भाई एक केदारनाथ मंदिर भी है यहाँ पे, और इस तरीके का मंदिर है। अंदर से भाई वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। आप देख सकते हो फोटो में कि कितने सारे जो छोटे छोटे मंदिर हैं एक साथ जब देखते हैं तो काफ़ी सुंदर लगता है। तो भाई बात कर लेते हैं अब किस समय आपको आना चाहिए। जो अक्टूबर से दिसंबर का समय है वो ठंड का समय होता है, बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है आने के लिए, और भीड़ भी आपको बहुत कम मिलेगी और आपके इजीली दर्शन हो जाएंगे। तो चले आगे चलते हैं। सो गाइस हम लोग अभी जागेश्वर टेंपल में हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैरों में ठंड लग रही है। मतलब आपको शायद देख कर ऐसे नहीं समझ में आएगा बट ये पूरे पत्थर जो हैं वो इतने ज़्यादा ठंडे हैं ना कि ऊपर से गीले हैं ना तो इतना ठंडा लग रहा है। पहले तो कटा, उसके बाद दर्द हुआ, फिर सुन्न हो गया और अब कुछ महसूस नहीं हो रहा हमें कि हमारे पैर भी हैं। सो मंदिर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, अगर आप देखो बहुत ही सुंदर और इतना एस्थेटिक बना हुआ है, मतलब कि आप यहाँ पे आओगे ना आपका डेफिनेटली मन शांत हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड भी कितना सुंदर है, जस्ट लाइक कश्मीर। सो यही है। और मंदिर देखो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे भी है। एंड साथ ही साथ द लिंग द फर्स्ट लिंग इट वॉज द फर्स्ट लिंग जिसकी पूजा यहाँ से शुरू हुई थी, मतलब कि 12 लिंगों में से ये पहला लिंग है जहाँ पर लिंगों की पूजा शुरू हुई थी। तो यहाँ पे बेसिकली दो मंदिर हैं। सो इफ यू कैन शो आवर सब्सक्राइबर्स, तो एक मंदिर वो है और एक वो है, वो है तो वो यस। सो वो महामृत्युंजय मंदिर है जहाँ पर लिंगों की पूजा लिंग की पूजा होती है सॉरी। एंड दिस वन इज द मेन टेम्पल ऑफ जागेश्वर। हाँ तो भाई सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या लगा आपको बताओ। सो मुझे यहाँ पे सबसे दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले मंदिर का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही एंशिएंट है और मतलब बहुत आई सूदिंग है। आप यहाँ पे पता है कदम रखते ही आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा। देन सेकंड अगर आप देख सकते हो तो हमारे बैकग्राउंड में एकदम इतना सुंदर, और ये कितना सुंदर है देख सकते हो भाई आप। और भाई जो रियल में आके जो यहाँ पे फील हो रहा है ना वो शायद आप कैमरे के थ्रू ना कर पाओ। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट जो यहाँ पर है वो ये कि यहाँ ये अदर टेंपल्स की तरह नहीं है, यहाँ पर आपको पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा कराएंगे। आप जितना टाइम चाहो उतना टाइम यहाँ पे दे सकते हो, एंड मतलब जब तक मन ना शांत हो आप बस। तो भाई बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आप भी ज़रूर विजिट करना। एंड मंदिर आप देख ही सकते हो, आर्किटेक्चर वगैरह बहुत ही खूबसूरत है। एंड भाई पैरों में बस थोड़े सा ठंड से जम गए हैं, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुकून भरा है। आप ज़रूर आएँ यहाँ पे। और जागेश्वर धाम तो हो ही गया, आपने देख ही लिया होगा कैसा दर्शन हुआ है। मतलब अभी कुछ भी भीड़ नहीं है, तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है वृद्ध जागेश्वर, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वो थोड़ी ऊँचाई पर है तो अब हम वहीं जाते हैं। क्या लगाना है आगे? तो भाई ये भी एक ये तांडेश्वर है ना? हाँ ये तांडेश्वर है, तांडेश्वर। अभी बाइक यहाँ पे लगा देते हैं और ये वाले में भी देख के आते हैं कैसा है। बैग बंदे रहने देते हैं, बैग बंदे रहने दें।
जैसा। तो भाई ये वाला मंदिर है तांडेश्वर मंदिर, और इसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो भाई ये इसकी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। और देखो इस तरीके से कुछ नदी भी जा रही है नीचे, जस्ट एक छोटा सा मंदिर है उसी का, और ये थोड़ा कॉपी जैसा भी लग रहा है उसी की जागेश्वर मंदिर की तरह, बट अच्छा है ये भी, ये आपको रास्ते में ही मिलेगा उसी के जाते हैं। तो भाई इस मंदिर में आपको शिव जी जी का जो रूप है वो शिला के रूप में दिखाई देगा, एक शिवलिंग नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे एक बड़ा सी शिला दिखाई देगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की और, जो कि है वृद्ध जागेश्वर, जो कि है यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर। और रास्ता भाई बहुत ही खूबसूरत है, दोनों साइड पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, जिससे मतलब बाइक चलाने का जो है फील है ना, बहुत ही मज़ा आ जाता है उससे। एंड भाई चलते हैं वहीं पर एंड दिखाते हैं आपको किस तरीके से है वहाँ पर, एंड मिलते हैं आपसे वहीं पर। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं वृद्ध जागेश्वर। तो भाई यहाँ पे जो शिव जी जी की पूजा की जाती है भगवान विष्णु के रूप में की जाती है, और भाई यहाँ से जो नज़ारा है ना पीछे का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, डायरेक्ट हिमालयाज दिख रहे हैं अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। और तो भाई ये मंदिर है कुछ इस तरीके का दिख रहा है, आप देख सकते हो, एंड मतलब आ सकते हो यहाँ पर भी, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ पर। एंड और भाई ये जो हिमालय है ना भाई, क्या क्लियर व्यू दिख रहा है, और कैमरे में तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, जो लाइव आंखों से जो दिख रहा है ना वो नहीं देख पाओगे आप ऐसे। और फाइनली पहुंच ही गए यहाँ पे। और भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब मज़ा आ रहा है। और दर्शन तो कैसे हुए तुम्हारे? एक नंबर दर्शन, एक नंबर हो रहे हैं भाई, कहने को है ही नहीं। और भाई बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, और आराम से बिल्कुल खाली पड़ा है, अच्छे से दर्शन होंगे। अभिषेक करना है, अभिषेक किया जा सकता है आराम से, हमने नीचे भी सारे में अभिषेक किया है, और ऐसा नहीं है कि मना करेंगे या फिर भीड़ है जल्दी जल्दी करना पड़े, आराम से आप कर सकते हैं। और जो कि सीज़न का टाइम होता है वो जनवरी से मतलब गर्मियों के टाइम पे होता है, जो मेन सीज़न होता है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, बट सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे आपको खाली मिल जाएगा और आप आराम से आके दर्शन कर सकते हैं। है कि स्नैपचैट पर एक ऑप्शन होता है क्लाउड में सेव करने का, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि तो भाई जाम लग गया है यहाँ पे, अभी हम जा रहे हैं जागेश्वर से नैनीताल की तरफ, और ये खड़ी हमारी एक्सपल्स, पूरा लंबा जाम लगा हुआ है भाई यहाँ पे, दूर दूर तक जाम लगा हुआ है। और ये भाई गाड़ी, ये वाला ट्रक बड़ा मुश्किल से निकलने वाला है, और देखते हैं निकलता है कि नहीं, बहुत देर हो गई खड़े हुए।